गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। जन्ना प्रसाद मेमोरियल पीजी कॉलेज की ओर से आज बीसी सेकेंड ईयर पेपर थर्ड का टॉपिक डाइजेशन इन स्टोमा। पिछली हमने अपनी वीडियो में बताया था डाइजेशन इन बक्कल कैविटी एंड इसोफेगस। आज का हमारा है डाइजेशन इन स्टोमा। तो अगर हम बात करें स्टोमक की, ठीक है, तो फूड के जब फूड स्टोमक में आता है तो स्टोमक के अंदर क्या पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। एक हेल्दी पर्सन में या नॉर्मल पर्सन में पर डे 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस पर डे सिक्रीट होता है, यानी कि लगभग 2 से 3 लीटर पर डे सिक्रीट होता है, ठीक है। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर 99% वाटर होता है, 0.5% HCl होता है और 0.5% एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये एंजाइम फूड का डाइजेशन करते हैं, खास करके प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, ठीक है। ये एंजाइम फॉलोइंग हैं, कौन कौन से हैं इसके बारे में बात करते हैं। एंजाइम फॉलोइंग, नंबर वन है पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन, ठीक है। ये क्या करेगा, ये सबसे पहले जो पेप्सिन है वो इनएक्टिव पेप्सिनोजेन की फॉर्म में पाया जाता है, जिसे HCl जो HCl द्वारा एक्टिव पेप्सिन में चेंज हो जाता है, और ये बना हुआ पेप्सिन प्रोटीन पर क्या करेगा, ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन पर रिएक्शन करता है और इसे चेंज कर देता है पेप्टोन में। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन पर रिएक्शन करता है और इसे चेंज करता है पेप्टोन में, और फिर पेप्टोन को चेंज करता है पॉलीपेप्टाइड में, और पॉलीपेप्टाइड फिर चेंज हो जाता है पेप्टाइड में, और पेप्टाइड फिर लास्ट में चेंज हो जाता है अमाइनो एसिड में। इस प्रकार प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एंजाइम रेनिन। ये रेनिन भी गैस्ट्रिक जूस के अंदर इनएक्टिव फॉर्म प्रोरेनिन इनएक्टिव प्रोरेनिन की फॉर्म में पाया जाता है, जो HCl द्वारा रेनिन में चेंज हो जाता है, और ये रेनिन क्या करता है, जो मिल्क प्रोटीन जिसे बोलते हैं कैसीन प्रोटीन पर रिएक्शन करता है, और इसे बदल देता है पैरा कैसीनेट, और ये बना हुआ पैरा कैसीनेट कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में या कैल्शियम आयन के साथ मिलकर क्या बनाता है, पैरा कैसीनेट बनाता है, जो कि कोलाइडल फॉर्म है, ठीक है। इस प्रकार प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। अगला है हमारा, इस प्रकार तीसरा एंजाइम है हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज। ये एंजाइम भी गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। ये एंजाइम क्या करता है, फैट वाटर के साथ ऐड हो जाता है, और फैट को कौन सा, गैस्ट्रिक लाइपेज
को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। इस प्रकार इंटर स्टोमक के अंदर फूड के स्टोमक के अंदर प्रोटीन और फैट का डाइजेशन होता है। ओके।